हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल, सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो डाला करें। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है काफी अमेजिंग होने वाली है। आज की वैकेंसी की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप उसके बारे में डिटेल में तो जान ही पाएंगे, उसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। आज की वैकेंसी रहेगी सीएसबीसी में 11,880 कांस्टेबल की पोस्ट है, यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की पोस्ट। बहुत ज्यादा वैकेंसी है, जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है अप्लाई जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज्यादा पोस्ट है, क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म रहेंगे। लास्ट डेट रहेगी 4 नवंबर। टोटल वैकेंसी 11,880 रहेंगी। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की पोस्ट, लोकेशन बिहार रहेगी, सरकारी नौकरी है। क्वालिफिकेशन इसके लिए 12th पास चाहिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ के इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट में बात होते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2019 है। एप्लीकेशन बिगिन हुई 5 अक्टूबर को। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई ऑनलाइन की 4 नवंबर। लास्ट डेट रहेगी पे एप्लीकेशन फीस की 4 नवंबर। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल एमबीसी बीएससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 450, एससीएसटी फिजिकली हैंडीकैप के लिए 112 रुपये रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल में बात करें तो कांस्टेबल की पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एमबीसी बीसी बीसी फीमेल सबके लिए पोस्ट है। ओके दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर बात करें इसके लिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अमेजिंग वैकेंसी है। इसके लिए ज़्यादा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं चाहिए, आप इसके लिए सिर्फ 12th पास होने चाहिए और इसकी एज अकॉर्डिंग की वेरी की जाएगी 1 अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एज लिमिट में अगर बात करें तो मिनिमम एज इसके 18 और मैक्सिमम 25 साल, 1 अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग वेरी की जाएगी। एज रिलैक्सेशन मिलेगा 2 साल का बीसी एमबीसी को, 3 साल का फीमेल को, 5 साल का एसएसटी को। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट और चेस्ट इसमें नापा जाएगा। अनरिजर्व और बीसी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर, मेल गोरखा के लिए 160 सेंटीमीटर, एससीएसटी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, एमबीसी मेल के लिए 162 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल, और मेल गोरखा के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, एससीएसटी के लिए मेल के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, एमबीसी मेल के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर। फिजिकल एफिशिएंसी भी चाहिए, इसमें रनिंग चाहिए आपको मेल के लिए अलग है। ओके दोस्तों, हर मार्क्स के लिए अलग है, 1.6 किलोमीटर की रहेगी, कभी 5 मिनट में करनी होगी तो कभी 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड के, तो अलग अलग मार्क्स के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि अगर आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट पुट भी होगा, हाई जंप भी होगा, जितना अच्छा परफॉर्मेंस उतने अच्छे मार्क्स। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ऑन द मेरिट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट, तो ये रहेगा पूरा प्रोसीजर। अगर ये वैकेंसी आपको समझ में आई हो, आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे, उसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपके काम की हो, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।